मोदी पर अमेरिका के रुख में आई नरमी, मोदी से मुलाकात करेंगी नैंसी पॉवेल, 9 सालों का अमेरिकी बहिष्कार होगा खत्म। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को लेकर अमेरिका का रुख नर्म होता दिख रहा है। अमेरिकी राजदूत नैंसी पॉवेल नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाली है। उन्होंने मोदी से मुलाकात के लिए वक्त देने का अनुरोध किया है। सूत्रों के मुताबिक पॉवेल 14 या 15 फरवरी को गांधीनगर में मोदी से मिल सकती हैं। पॉवेल ने गृह मंत्रालय से पिछले हफ्ते मोदी से मुलाकात की इजाजत मांगी थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने भी मोदी और पॉवेल के बीच मुलाकात की पुष्टि की है। बीजेपी ने अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया है, हालांकि कांग्रेस इस पर टिप्पणी करने से बच रही है। अब देश के साथ साथ अगर वो लोग जो लोग की किसी राजनीतिक कारणों से, अपने राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारणों से या किसी अन्य कारणों से दूरी महसूस कर रहे थे, उन्हें भी लगता है कि आज जो जमीन की, देश के जमीन की राजनीतिक धरातल की सच्चाई है, सामाजिक धरातल की सच्चाई है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये सवाल तो आप जाते हैं उनसे पूछिए जो वीजा मांग रहे हैं या वीजा लेने के लिए अपने आप दरखास्त दे रहे हैं, या आप बयान उनसे जाके लीजिए जो वीजा दे रहे हैं। तो इसमें आपके वीजा लेने और देने में जो लोग शामिल है, या बयान उनसे जाके लीजिए। कोई भी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है उसको वीजा मिलना चाहिए, लेकिन आज तक तो अमेरिका ने ये डिनाई किया है और कोई हाई कमिश्नर के पास किसी को वीजा देने का पावर्स नहीं है। अमेरिका ने 2005 में मोदी को राजनयिक वीजा देने से इंकार कर दिया था। उन पर गुजरात दंगों में शामिल होने के आरोप थे, लेकिन अब मोदी को इस मामले में कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है, लिहाजा ओबामा प्रशासन के रुख में भी बदलाव आया है। अमेरिका के इस यू टर्न पर भारत के ताजा राजनीतिक हालात और मोदी के बढ़ते प्रभाव का भी असर साफ दिखता है। अमेरिका को भी ये लग रहा है कि नरेंद्र मोदी पावर में आ सकते हैं, तो हो सकता है कि पहले से ही माने रिश्ता अमेरिका के बीच में और नरेंद्र मोदी के बीच में सुधरे, इसकी भी एक कोशिश हो सकती है। मोदी जी एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं और किसी भी चीफ मिनिस्टर से किसी भी डिप्लोमेट को मिलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अमेरिकन्स को हमारे अंदरूनी राजनीति में बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हमारा जुडिशियल सिस्टम सक्षम है किसी भी गलत काम को रोकने के लिए। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई देशों के राजदूत मोदी का बायकॉट खत्म करते हुए उनसे मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि अमेरिकी राजदूत नैंसी पॉवेल ने 2012 में मोदी से मिलने में परहेज किया था। इनकमिंग एम्बेसडर सीक्स कॉल्स ऑन द चीफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। सो व्हेन शी केम इन 2012, एज फार एज आई एम अवेयर, शी हैड नॉट सॉट अ कॉल ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, who is also the BJP's prime ministerial candidate. मोदी और नैंसी पॉवेल के बीच मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों पर तो बात होगी ही, वीजा मामले पर भी चर्चा होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अमेरिका पहले भी कह चुका है कि अगर मोदी वीजा के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पर जरूर विचार किया जाएगा। इस समय दिल्ली से ब्रिजेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।